नमस्ते, मेरा नाम है शिवानी माथुर, मैं बैंगलोर से हूँ एंड आई हैव वन परसोना मिसेज इंडिया वुमन ऑफ यूनिवर्स टाइटल एट परसोना मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट विच हैपन्ड लास्ट नाइट. आई एम वेरी प्राउड एंड रियली आई took this plunge and I believe in myself all throughout and that's the reason why I won the title. When the crown was announced given to you, usse mein kaise feeling thi kya मुझे शुरू से विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ जीत के जाऊंगी और ये जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे सपने पूरे हुए और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई वन द टाइटल. सो आई एम फाउंडर ऑफ डांसिंग अदा. डांसिंग अदा की भी एक कहानी है. 3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ इंडिया में March 25, 2020 में, मैंने हर दिन उस दिन से लेके आज तक एक डांस कवर दिया है टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग विमेन एंड अदर पीपल इन द सोसाइटी. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डांसिंग अदा है, आपने ये जाना होगा उसको देख के कि मैंने हर दिन बिना रुके एक डांस कवर दिया है और शायद किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक इतना कंटेंट नहीं क्रिएट किया होगा जितना मैंने किया है इंस्टाग्राम पे. तो ये मैंने इसलिए किया कि सोसाइटी में मैं ये बता सकूं, फैला सकूं कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी कोविड से, हम फिर भी कुछ अचीव कर सकते हैं, हम सब में वो मनोबल है, हम सब में वो काबिलियत है कि हम कुछ आगे बढ़ें और कुछ करें अपने लिए. तो डांसिंग अदा की कहानी यही है कि हमने ये चीज़ शुरुआत जो करी थी और कभी रुकेंगे नहीं और चलते जाएंगे. या नमस्ते, दिस इज़ हेमा निरंजन फ्रॉम बैंगलोर. आई एम एन एंटरप्रेनर. आई रन टू बिजनेसेस, वन इज़ द इंटीरियर डिज़ाइन फर्म एंड अदर इज़ रेस्टोरेंट. माई हस्बैंड ही वर्क्स फॉर अ एयर एम्बुलेंस एंड माई डॉटर शी इज़ 14 ईयर ओल्ड एंड शी इज़ इन टू मॉडलिंग एंड रिसेंटली आई वन परसोना मिसेस इंडिया. I would like to create awareness regarding animal rights. सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम स्निग्धा मुखर्जी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेटर हूँ और परसोना का ये क्राउन मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. कितना प्राउड मोमेंट है आपके? मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ. उनको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा. See, as an educator, I'm there to nurture the students as they are the future of our country. So, मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूँ और नॉट ओनली विद द चिल्ड्रन, मैं ये चाहूँगी कि मैं लेडीज़ के लिए भी कुछ करूँ. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी वन. If a person is educated, he can do wonders in his life. The most important thing is that he need to get a chance to perform. And through Persona, I got this platform, and I will explore this platform, and I will like spread this love and positivity to the society. Thank you so much. Namaskar, main Mamta Kumari, Ranchi, Jharkhand se. Main Persona Mrs. India 2022 ki सेकेंड रनर अप हूँ और बहुत खुश हूँ ये क्राउन पाके और मैं और भी महिलाओं को प्रेरित करूँगी इसके लिए जो ये सोचती हैं कि इच्छा तो होती है पर वो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि उनकी शादी हो गई होती है, उनमें हिचक हो जाता है, उनको ये लगने लगता है कि वो ये नहीं कर सकती हैं. मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ उनके लिए, अपने शहर के लिए तो हूँ ही. हाँ मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ. मैं महिलाओं के टच में ही ज़्यादातर रहती हूँ, उनको ही सिखाती हूँ, उनको बहुत कुछ बताती भी हूँ. जो लोग घर में ही रह रहे हैं उनको बोलती हूँ बाहर निकलो, सीखो, देखो, करो. तो मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर करूँगी. बहुत ज़रूरी है योगा, हम लोगों को बाहर से तो फिट करता ही है, हम लोगों के मन को भी शांत करता है, हमारे अंदर का जो ऑर्गन्स है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, अपने दिमाग के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए योगा अच्छा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. योगा हर किसी को करना चाहिए आज के डेट में, वो हमको निरोग भी रखता है. इट टुक अस अ रियली गुड टाइम टू एक्चुअली सिलेक्ट द विनर्स बिकॉज जो भी 33 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ थे स्टेज पे, वो सभी अपने अपने में बहुत बेस्ट थे.
तो उन 33 में से ये चार विनर्स और दो रनर अप को निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था. इनफैक्ट जजेस के लिए बहुत मुश्किल था, हमारे फैकल्टीज मेंटोर के लिए बहुत मुश्किल था. बट आई नो कि ये जो भी चार विनर्स और दो रनर अप जो हमारे सामने हैं, वो बाकी कंटेस्टेंट्स है आई थिंक, ऐसे तो सभी बेस्ट है, बट ये कंटेस्टेंट्स उनसे शायद 1% और ज़्यादा बेस्ट है. और जिस हिसाब से उनकी अभी ग्रूमिंग होगी, क्योंकि ये चार विनर्स इंटरनेशनल पैजेंट में अपने अपने इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि इनकी ग्रूमिंग हम उस तरह से कराते हैं ताकि वो बाकी 80 कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाए. हमने जैसे ब्लैंक कैनवस एकेडमी को हायर किया है इनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के लिए, तो हर एक चीज़ जो एक इंटरनेशनल पैजेंट में रिक्वायर्ड है इनकी, वो हर एक चीज़ ट्रेनिंग हो जाएगी. इनकी वॉक थरली और सिखाया जाएगा. यूजुअली इंटरनेशनल पैजेंट में नेशनल कॉस्ट्यूम करके एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इनका स्पेशली डिज़ाइनर हायर करके इनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की जाएगी. प्लस इनके जो स्पीच होती है, इनकी जो चैरिटी कॉजेज होती है, वो हर एक चीज़ हमारे नज़र में रहेगी ताकि उनको वहाँ पर आसानी हो. हर साल हमें बड़ी खुशी होती है जब परसोना मिस इंडिया शुरू होता है. मेहनत तो हर औरत करती है, मेहनत हर कोई करता है अपने सिटी से जब वो सिलेक्ट होती है और फाइनलिस्ट बन के आती है, तो ऑफ कोर्स उनके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, उनके खुद के भी यू नो मेहनत उसके पीछे होती है. बट एज पर द कंसर्न जो हमारा सपोर्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है, वो ये होता है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग्स दें, हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज दें. जैसे परिमल मेहता, आप सब जानते हैं परिमल इज फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया. अर्चना कोचर जो डिज़ाइनर है, उन्होंने इन्हें फैशन से देर आर मेनी मोर फैकल्टीज जिन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया है, जिन्होंने इन्हें कुछ ना कुछ यू नो अपने सजेशंस दिए हैं, अपना जो उन्होंने सीखा है उसका कुछ परसेंट इन तक पहुँचाया है. सो या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करती है अपने फाइनलिस्ट को देने के लिए, और वही जो बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है या बेस्ट तरीके से वो सीख पाता है, वो नॉलेज गेन कर पाता है, वही लोग फिर विनर कहलाते हैं. तो आज जो इंटरव्यू है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्पेशली परसोना मिस इंडिया के विनर्स के लिए सीजन 5 के. हमारे ये 5वां सीजन रहा परसोना मिसेस इंडिया का, और हर बार कुछ नया नया अचीवमेंट हर प्रदेश की महिलाएं आके लेती आई है. हम लोगों ने घर से ला के ऑडिशन लेने, हम लोग भी पर्सनली, हमारी टीम ही जाती है, और वहाँ से महिलाओं में जिनमें क्वालिटी है और जिनका प्लस इंटरेस्ट है कि वो कुछ आगे करना चाहती हैं, तो परसोना का जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें दिया जाता है और वो लोग उसको अचीव करती हैं. और जब वो पा लेती हैं उसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है लाइफ की. तो ये चीज़ें महिलाओं को, हम लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं, खुशी होती है, और ये देख के कि वो अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं.